दोस्तों, जिसमें एलजी के बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बेसिकली इसमें एक्चुअली जो फॉल्ट है नो पिक्चर का है। बेसिकली लाइट ओके है, इसकी बैक लाइट ओके है। तो इसमें ये एलजी का 24 इंच का मॉडल है और इसमें जो फॉल्ट बेसिकली आता है वो भी मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर 24 वोल्ट के पैनल में इसमें क्या होता है, बैक में जो एलबीएस की मेन सप्लाई का जो इन्वर्टर सेक्शन में 12 वोल्ट जिससे बनते हैं 19 वोल्ट से 12 वोल्ट, वो बेसिकली इसका स्विचिंग आईसी ख़राब हो जाता है। मॉस्फेट जो लगा होता है वो ख़राब हो जाता है, उसकी जगह एक हम स्विचिंग छोटी सप्लाई आती है वो लगाते हैं। बेसिकली ये अगर ठीक है, अगर एलबीएस पे 12 वोल्ट जाते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो पहले आपने उसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने यहाँ देखो एक एच ए बी डी डी ए बी डी डी और वी जी एच वी जी एल और पहले 12 वोल्ट, और मतलब ये कहने का मतलब है लास्ट अगर ये वी जी एच वोल्ट है, अगर ये आपके बनने चाहिए तभी आपकी डिस्प्ले आएगी। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, सेट में डिस्प्ले नहीं आने का कारण बैक लाइट ओके होती है। सबसे पहले आपने जो पे मेन है, अगर 12 वोल्ट बन रहे हैं और डीसी जो डीसी आईसी आपका वर्क कर रहा है तो फिर तो ये सारे वोल्टेज बन जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे उसके बाद पहला प्रोसीजर आपने क्या करना है, इस सभी पॉइंट पर पहले शॉर्टेज चेक करनी है, एच ए बी डी डी और ए बी डी डी एच ए बी डी डी और ए बी डी डी और बी जी एल बी जी एल बी जी एच सभी पॉइंट पर वोल्टेज चेक करने हैं। अगर वो वोल्टेज नहीं बनते तो आपका इस मतलब इस पैनल में ज़्यादातर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई आपका पी एफ फ्यूज शॉर्ट निकलेगा। अभी मैं आपको इसका डिटेल से वैसे थ्योरी बता देता हूँ, इसमें फंडा क्या था तो कैसे निकालना है, इसका सिंपल सी थ्योरी है। पहले आपने क्या करना है, इसे जो मेन पॉइंट इस पर आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ या आपने पहले इस पर शॉर्टेज चेक करनी है और बाद में या एक बी जी बी ए ए पॉइंट है इस पर शॉर्टेज चेक करनी है और दोबारा आपने यहाँ लगा हुआ बी जी एल बी जी एल पे शॉर्टेज चेक करनी है और यहाँ एक बी जी एच का पॉइंट है इस पर शॉर्टेज चेक करनी है। अब 12 वोल्ट तो आपके आ रहे होंगे, बेसिकली 12 वोल्ट आने के बाद यहाँ एक इस पर एक यहाँ बी जी एच यहाँ पॉइंट बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब है दोनों पे आप ये सभी पॉइंटों पे आपने शॉर्टेज चेक करनी है। अगर आपकी शॉर्टेज किसी पॉइंट में है तो फिर आपका बेसिकली एक पी एफ ही ख़राब होगा। तो ये अभी है, जैसे हमारा मैं अभी आपको बताता हूँ, एक जैसे हमारे पहले ए बी डी डी पॉइंट पे शॉर्टेज शो कर रहा था और दूसरा एच ए बी डी डी बी जी एच और बी जी एल, ये बी जी एल पे कोई शॉर्टेज शो नहीं कर रहा और हम और जो लेफ्ट साइड है कप के बी जी एच इस पर भी नहीं शॉर्टेज शो कर रहा। कहने का मतलब और किसी पॉइंट पर अगर शॉर्टेज शो करे तो अब इसकी आपका पी एफ ख़राब होता कोई ना कोई। तो ये मैं भी बता देता हूँ आपको, हमारा ये बेसिकली जो मेन एच ए बी डी डी एच ए बी डी पॉइंट पे एक्चुअली वैसे ये शॉर्टेज शो कर रहा है, हल्की से शॉर्टेज शो कर रहा है कुछ पॉइंट। तो इसमें हम अभी आपको बताता हूँ, ये देखो दोस्तों, ये पहले ये ज़्यादातर या इस पर क्या होता है, इस पैनल में ज़्यादातर ये पी एफ ख़राब निकलते हैं, जहाँ हमारे ए बी डी वोल्टेज के यहाँ पी एफ ख़राब निकलेंगे। तो मैं इसकी स्केलर बोर्ड के बारे में डिटेल से बता देता हूँ। स्केलर बोर्ड एक्चुअली बेसिकली ये 12 वोल्ट का स्केलर बोर्ड है, तो ये इसकी जो थ्योरी है मैं पहले वो बता देता हूँ, इसमें ज़्यादातर फॉल्ट क्या निकलता है और कैसे आपने रिमूव करना है, इसकी मैथ की थ्योरी है। जो इसके 12 वोल्ट डीसी से डीसी आईसी लगा हुआ है, ये 3.3 पॉइंट की कॉइल लगी हुई है और यहाँ डायरेक्ट एक 12 वोल्ट पहुँचेंगे
और ये अब हमारे एवीटीडी वोल्ट का मॉस्फेट है, पी टैनल ये मॉस्फेट लगा होता है। और ये जहाँ से सोर्स पे 17 वोल्ट या 18 वोल्ट सप्लाई बनती है, जब स्विचिंग होता है ये आईसी से ऑपरेट हो जाता है, तो होता क्या है इसमें, अगर इसके बाद अगर ये इसमें कोई तुम्हारा जैसे पीएफ या शॉर्ट होगा या लीकेज होगा, ये एक्चुअली आईसी अब वोल्टेज बनाने से पहले ये ड्रॉप कर देता है। और हमारा ये एक्चुअली जो एबीटी वोल्ट है या वीजीएफ वीजीएच है, ये टीसी से आईटीसी वर्क करना बंद कर देता है। तो कहने का मतलब है, पहले आपने यहाँ ज़्यादातर जो पीएफ इसके केस में ये ख़राब निकलते हैं, तो हमारा ये बेसिकली मैं वही बता देता हूँ, हमारा ये कौन सा ये पीएफ अभी यहाँ शॉर्ट ही था, ये हमारा पीएफ लगा हुआ, ये हमारा बेसिकली ये शॉर्ट था, तो ये अभी मैं निकालने लगा हूँ, ये शॉर्ट शो कर रहा है। ये हमारा एक्चुअली बेसिकली जो पीएफ था ये ख़राब था। अब हमारी एक्चुअली यहाँ से मैं बताता हूँ, हमारी यहाँ इस पॉइंट पे एच ए बी डी पॉइंट या बी ए पॉइंट लिखा हुआ है, तो हमारा यहाँ से शॉर्टेज ख़त्म हो गई हुई है, क्योंकि यहाँ पहले शॉर्टेज शो करता था मीटर से, तो ये शॉर्टेज ख़त्म हो गई है। ये हमारा बेसिकली ये पीएफ ख़राब निकला था। तो एलजी के इस पैनल में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है, जो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली पैनल नो डिस्प्ले में आपके वोल्टेज नहीं बनते, तो ये आपका ज़्यादातर ये पीएफ ही खराब निकलते हैं, तो आप बहुत आसानी से इसका फॉल्ट निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।